खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसावत, महेश्वर, बड़वाह, सनावत, गोगावा, बीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। बीते दिनों अपमानजनक बर्ताव की घटनाओं से नाराज सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायकों ने 23 जनवरी से कलम कार्यालय बंद आंदोलन की चेतावनी दी है। गुरुवार को जनपद कार्यालय में इकट्ठा हुए सरपंच, सचिव एवं ग्राम सहायक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सीईओ के नाम ज्ञापन सौंपकर सूचना दी गई है। मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि 11 जनवरी को मांगों के समर्थन में जिला स्तरीय प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, जहां ज्ञापन लेने आए अपर कलेक्टर ने बासवा सरपंच की कॉलर पकड़ ली थी। इसके अलावा 17 जनवरी को जिला पंचायत सीईओ के द्वारा सरपंच, पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान बदवाह सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार वर्मा से अभद्र व्यवहार करते हुए कक्ष से बाहर कर दिया गया, जिससे मोर्चा में आक्रोश व्याप्त है। बार बार जनप्रतिनिधियों, पंचायत कर्मियों से अधिकारी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इससे आहत होने के साथ ही आक्रोश पनप रहा है। मानसिक दबाव में कर रहे काम। मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में गांवों में जनभागीदारी से काम के लिए अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा है, जबकि कोई भी जनभागीदारी से काम की सहमति नहीं दे रहे। इसके अलावा 181 पर की जाने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए भी वरिष्ठ स्तर से दबाव बनाया जाता है। लगातार काम के दबाव से मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। इसी तनाव के चलते ग्राम पंचायत मानगरोल के सचिव जगदीश पाटीदार का 18 जनवरी को हृदयाघात से निधन भी हो चुका है। इन समस्याओं के निराकरण नहीं होने से काम करने में असमर्थ है। 23 से ब्लॉक एवं जिला स्तर पर कलम कार्यालय बंद आंदोलन की शुरुआत करेंगे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। हमने जो ज्ञापन दिया था वहां पर हमारे सरपंच महोदय, कलेक्टर ऑफिस में उनके साथ एक अभद्रता व्यवहार किया गया। उसके बाद में हमारे जिला पंचायत में भी हमारे सरपंच को मीटिंग के दौरान बाहर कर दिया गया, और जो काम हमारी ताकत के नहीं है उन कामों को भी हमारे से दबाव बनाकर किया जाता है, जिससे सारे सरपंच, सचिव और जीआरएसओ में रोष है, और ऐसी स्थिति में हम लोग कार्य करने में सक्षम नहीं है। हमारे ऊपर बिना मतलब मानसिक दबाव के काम कराया जाता है, जिससे हमारे एक साथी के ऊपर इतना दबाव बना कि उन्हें हृदयघात से उनका कल 3 बजे इंदौर देहांत हो गया, जिससे हम सब लोगों में बहुत रोष है। सीएम हेल्पलाइन है, लेबर बजट है, उसके बाद में हमारे एसबीएम के सोखता गड्ढे हैं, जो जन सहयोग से कराना है, लेकिन जनता जन सहयोग से कोई भी काम कराना नहीं चाहती है, लेकिन हमारे ऊपर उसका दबाव बनाया जाता है, जिससे हमारे सभी सरपंच, सचिव, जीआरओस में रोष व्याप्त है। इसी के संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। अगर हमारी न्याय उचित मांगे नहीं मानी जाती है तो हम 23 तारीख से कलम कार्यालय बंद हड़ताल करेंगे, जो अनिश्चित काल के लिए रहेगी। क्या नाम है आपका? शकील पठान, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सोनीपुरा। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।